देखिए आई एम श्योर डॉक्टर साहब अपनी स्टोरी पर अभी तक खड़े हुए हैं, मुझे ये मालूम हुआ है और ऐसा ही है। मेरी जाती राय पूछे तो मुझे ये बात ठीक है कि इस तरह का काम जरूर होता है और पाकिस्तान से महफूज नहीं रह सका है और सरगोधा में एक काम हुआ है आज से एक साल पहले। लेकिन इस पर्टिकुलर स्टोरी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से एक सवाल उठता है कि अगर वाकई ये काम हुआ होता है इस तरीके से तो मतलब आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इतना वाजे तौर पर ये क्यों कह देती, या अगर वाकई वो इतने ही इंपॉर्टेंट गैंग का इतना इंपॉर्टेंट आदमी था तो कसूर में क्यों घूम रहा था इस वाकये करने के बाद, वो जनाजे में क्यों शरीक हो रहा था, वो तोड़फोड़ में क्यों शरीक हो रहा था। अगर ये वाकई इंपॉर्टेंट गैंग का इतना इंपॉर्टेंट आदमी था तो ये छोटे से घर में क्यों रह रहा था, इसको इसका तो लाइफ स्टाइल डिफरेंट होना चाहिए था। बहुत सारी चीजें हैं, अब जाहिर है मामला अदालत में तो अच्छा है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन अगर ये खबर सच होती है तो आपको डॉक्टर साहब की जिंदगी का सबसे बड़ा स्कूप होगा। लेकिन इसमें एक आयरनी ये है कि अगर यानी कि इस खबर की वजह से उन लोगों को बहुत तबीयत मिली है जो कि हमारे हर गली हर मोहल्ले में होने वाले वाकये का जिम्मेदार अमेरिका इंडिया और इसराइल की साजिश करार दे। शुक्रिया आपका। वसीम बदामी भी हमारे साथ मौजूद है। वसीम आप क्या कहेंगे, डॉक्टर शाहिद मसूद तो अपनी बात पर कायम है, वो बजिद है, वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो खबर है वो दुरुस्त है, आप क्या समझते हैं कि उन्हें माफी नहीं मांग लेनी चाहिए? हाँ देखिए, और अगर अभी एक थोड़ा सा कबल वक्त भी होकर ये कहना तो जो बात आप बता रही है अगर वैसा ही है कि वो कह रहे हैं अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि मेरी खबर गलत है तो भी मैं खबर से कायम रहूंगा तो बस फिर तो मतलब बात खत्म हो गई। फिर आगे कि क्या बंदा वैस है, चूंकि हम जाहिर अपनी कोई भी खबर देते तो हम ये कहते हैं भाई अदालत चले जाओ मुझे गलत साबित कर दो। अब अगर खबर देने वाला जरिया ये कह रहा है कि मेरी खबर को अदालत ने भी गलत कह दिया तो भी मैं कहूंगा कि मैं ही सही हूँ, तो कोर्ट से मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत ही अब जाहिर मेरे सीनियर डॉक्टर साहब, लेकिन मैं फिर इस हवाले से बहुत बचता हूँ अदब के साथ इख्तलाफ करूंगा इस बात कि ये तो फिर चूंकि साफी का काम ये नहीं होता है मेरे ख्याल से कि हर सूरत में अपनी खबर पर कायम रहे, बल्कि अगर खबर की सदाकत पे पाकिस्तान का आला तरीन अदालत कह दे कि गलत है तो अपनी खबर अपने अल्फाज वापस लेना चाहिए। और वसीम जैनब का मामला तो इंतहाई हसास मामला है, इस पर बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा दिखाना चाहिए था, और अगर अभी गलत गलत खबर हुई है तो फिर इस पर माफी मांग लेनी चाहिए इसके बजाय ये कहना बार बार कि मैं सही कह रहा हूँ मैंने झूठ नहीं बोला मैं अभी भी अपनी खबर पे कायम। हाँ देखिए इस स्टेज पर अगेन मैं इसलिए ये बात चलने नहीं कहता कि अभी वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने अदालत को दे दी है, लेकिन अगर अदालत से ही उनकी मेरी जाती राय तो आप आज भी पूछे तो मेरा मेरी राय यह है कि ये जो बात ये इस पर सदाकत नहीं मेरी राय तो ये, लेकिन जाहिर डॉक्टर साहब कहते हैं मेरे पास इन्फॉर्मेशन उसकी बुनियाद मुझे यकीन है कि मेरी बात ठीक है। ठीक है अभी माफी ना मांगे वो, हम नहीं कहते इनकी खबर गलत साबित हो गई है, लेकिन अगर पाकिस्तान की आला तरीन वो ये तो कहें कि अगर मेरी खबर जो है वो आला तरीन अदालत ने कह दी कि गलत है फिर मैं सरेआम माफी मांगूंगा, ये तो होना चाहिए।